ओके बेटा, आपके पास 3.3 क्वेश्चन है। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है? फाइंड प्राइस रिलेटिव फॉर द गिवन बिलो यूजिंग 2000 एज बेस। एक क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने 2000 एज बेस लेना है, ठीक है। दूसरे में वो कह रहा है एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स जो है, लास्ट 3 ईयर्स जो है उनकी एवरेज को आपने बेस लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं। ईयर्स कहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं? फ्रॉम 2000 से, और हैं कहाँ तक? 2000 से 2008 तक, ओके 8 तक। इसके बाद आपके पास आ जाएगी प्राइस। सिंपल आप लोग अपनी प्राइस नोट डाउन कर लो, जितना मैं कर रही हूँ इसी तरह आपने बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना के जो आपने लिखना है, ठीक है, बॉक्स ना भी बनाए जैसे लाइंस, लेकिन आप लोग की लगेंगी। पहली वैल्यू है आपके पास 12.5, सेकेंड इज 15, थर्ड इज 17, 20, 25, 22.5, 27.5, 37.5 और लास्ट वन है 35, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले वो पार्ट ए में कह रहा है 2000 एज बेस, तो 2000 को आपने एज बेस लेना है। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका क्या होता है हमारे पास, पी एन डिवाइडेड बाई पी नोट मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये स्टेप कर लेते हैं। पी एन कितना है हमारे पास? करंट प्राइस 12.5, उसको हम डिवाइड कर देंगे 12.5 से ही। क्यों? क्योंकि बेस ईयर भी 12.5 वाला ही है। 12.5 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में ताकि पहले ही मल्टीप्लाई हो जाए। उसके बाद आपने जो है इसको ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको करोगे एट द एंड मल्टीप्लाई बाय 100। पहले डिवाइड होना चाहिए फिर ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। आपके पास आंसर क्या आ गया? 100, क्योंकि 12.5 से कट गया। सिमिलरली आपके पास सेकंड आ जाएगा। सेकंड क्या है? 15 डिवाइडेड बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली थर्ड वैल्यू है आपके पास 17। इसको ब्रैकेट में मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि पहले जो है ये डिवाइड हो जाए, देन आप लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर पे भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, 17 डिवाइडेड बाय 12.5। अब जितने भी नंबर्स हैं उनको आपने सबको 12.5 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि उसने आपको कहा है कि बेस आपने कितनी लेनी है जी, 100 लेनी है। इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट अगेन इक्वल का साइन आपके पास, ब्रैकेट 22.5 डिवाइडेड बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100।
सिंपल से हम लोगों ने कल काम किया था यहाँ तक सेम हमारे पास वही आएगा. यहाँ पे हम लोगों ने बेस ईयर क्या लिया है 2000 वाली जो वैल्यू थी 12.5 उसको हमने सबके साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया. मुझे लग रहा है ये जो है वो गलत हुआ है. इसको हम करते हैं दोबारा 17 डिवाइडेड बाय 12.5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100. अब बेटा नेक्स्ट में वो आपको कह रहा है एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स एज बेस. तो आपने जो लास्ट 3 इयर्स की प्राइस है ना उनको एज बेस लेना. तो लास्ट 3 इयर्स हमारे पास कौन कौन से हैं 2006, 2007 और 2008. देखें इनकी क्या वैल्यूज हैं. 2006 में कितनी है 27.5 + 37.5 + 35. लास्ट 3 इयर्स एज बेस कह रहा है. तो लास्ट 3 इयर्स की वैल्यूज को आप ऐड करोगे जैसे आप सिंपल मीन निकालते हो. तो डिवाइड किससे कर दोगे 3 से क्योंकि 3 साल की एवरेज है. तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी 3.33. सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स. लास्ट 3 इयर्स की एवरेज आपके पास सिंपल आप लोगों ने जैसे पहले वाला काम किया वैसे ही करना है. पहले हम 12.5 को डिवाइड कर रहे थे अब हम लोग क्या करेंगे 3.33 को. ब्रैकेट 12.5 डिवाइडेड बाय 33.33 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है अगेन आपके पास इक्वल का साइन है ब्रैकेट. अब जिससे हमने उसको किया लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सबको डिवाइड किससे करना है जो हम लोगों ने एवरेज निकाली है. और एवरेज हमारे पास आई है 33.33. इक्वल्स टू 7. एवरेज कैसे निकाले बेटा एवरेज. ये देखो लास्ट 3 इयर्स तो थे ना हमारे पास. उसने कहा है एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स एज बेस लेने. तो लास्ट 3 इयर्स कौन से हमारे पास 2006, 2007 और 2008. ठीक है इनकी वैल्यूज क्या थी 27.5, 37.5 और 35. ठीक है मैं दोबारा निकाल के बताती हूँ. सिंपल आप लोग कैलकुलेटर पे क्या करोगे इन तीनों का ऐड करोगे. मिस आपने आंस लिखा है आंस के साथ में जैसे आपने पहले ऐड किया वो भी लिखा रहने दें. बेटा वो ये एक्सेल है ना एक्सेल पर डायरेक्ट हो जाता है. चलो मैं एक मिनट वैसे मैनुअली आपको लिखती हूं. एक्सेल शीट है एक्सेल में ये डेक खुद ही वो आपको आंसर बता देता है. पता क्या करना है मैं आपको लिख के बता रही हूँ दोबारा. इक्वल का साइन इक्वल का साइन. ठीक है इक्वल के बाद आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं 27.5. ठीक है उसके बाद आपके पास क्या है जी 2007 में 37.5 फिर आपके पास है जी 35. ठीक है ब्रैकेट क्लोज. अब ये 3 वैल्यूज थी 3 साल की थी ना तो आपने इसको डिवाइड कर देना 3 से. तो जब आपको डिवाइड करके 3 से वैसे हटोगे तो ये आंसर ऑटोमेटिकली आपको दे देता है. सिंपल आपने तीनों को ऐड करना है ऐड करके 3 पर डिवाइड कर देना जैसे आप सिंपल मीन निकाल देते हैं. ठीक है समझ आइए बेटा. जी मिस आ गई. जी आ गई. ठीक हो गया बेटा 17 डिवाइडेड बाय 33.33 क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100. नेक्स्ट आपके पास नंबर है 25. ब्रैकेट में हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि पहले ये जो डिवाइड हो जाए देन ये जो है मल्टीप्लाई हो. इक्वल ब्रैकेट ओपन 22.5 डिवाइडेड बाय
divided by 33.33. Bracket close, multiply by 100. divided by average. Average Maria 33.33. Bracket close, multiply by 100. Again, similarly, we step my pass equal ka sign, bracket 37.5 divided by 33.33, bracket close, multiply by 100. Last step, bracket 35 divided by 33.33, bracket close, multiply by 100. ये बट आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, ठीक है? अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा पूछे। इफ्रा सबा बेटा 3.4 है, नहीं मिस कोई भी नहीं। हाँ जी, 3.4 आपकी बुक में कहता है फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डाटा टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल 5 इयर्स एज बेस। तो आपके पास प्राइजेस भी 5 दी हुई है, 9, 6, 9, 11, 10। तो आप क्या करोगे, इन सबको एड करके डिवाइडेड बाय 5, 5 ईयर है ना, तो डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो करके बता देते हैं, नंबर है आपके पास 9, 9 plus 6 plus 9 plus 11 plus 10, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड आपने किससे करना है, 5 से, क्योंकि 5 नंबर्स है ये। तो आपके पास आंसर भी क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, 9 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन 9 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, सब नंबर्स को 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाना। नेक्स्ट आपके पास 3.5 का ए पार्ट, ए पार्ट में वहाँ सिंपल आपको कह रहा है कि 2004 का एज बेस ले लो। तो मतलब 2004 में आपके पास वैल्यू है 187, तो 187 को आपने बेस लेके कंप्यूट करते जाना है सब नंबर्स के साथ, ठीक है? उसके बाद आपके पास जो आएगा फाइंड द चेन इंडिसेस, ये नहीं करना, ये मैं खुद करवाऊंगी। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो 3.3 आपने नीट करना है, 3.4, 3.5 का पार्ट ए। ठीक हो गया बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मिस। हाँ जाइए। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ये जो 3.4 है, जी 3.4 है, इसमें जो प्राइसेस है वो पहले उनको प्लस करना है, फिर उनको 5 के साथ डिवाइड करना है। हाँ जी, क्योंकि 5 इयर्स एज बेस उसने कहा है ना, वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। हाँ जी, सिंपल फार्मूला आपके पास वही रहेगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट 3 इयर्स की लेके 3 पे डिवाइड कर दी थी ना, वहां पे आपके पास है वैल्यू 5, और आपको कह रहा 5 इयर्स को ही आपने बेस लेना है। तो 5 के 5 को आप लोग ऐड करोगे, ऐड करके आपने 5 पर वो डिवाइड कर देना, आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको 1 बाय 1 सब वैल्यू से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है मिस। ठीक है, अब आपके पास आज एक एग्जाम्पल की आप लोग देख लीजिए, इसमें से आपने और कौन से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3.26, 3.26 निकालिए बेटा, 3.26 96 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 50।
तो 50 आपने एज अ बेस लेना, 50 को आपने सबसे डिवाइड करना, जैसे आपने पहले दो क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाए ये भी करना है, हाँ जी 3.30 3.29 का ए पार्ट देखें पहले। सभा बेटा आप इसको रीड आउट करो और बताओ क्या कह रही है आपने आप। सभा आपने बताना है इफ्रा 3.29। इफ्रा बेटा क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हैं, वो कह रहा फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द इयर्स एज ऑल द इयर्स एज द बेस। क्या करेंगे पता नहीं बेटा, वो कह रहा है एवरेज ऑल द इयर्स ऑफ बेस, तो सब नंबर्स को आप ऐड करोगे टोटल कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे आप डिवाइड कर दोगे, जो एवरेज आएगी उससे आप वो करते जाओगे कंप्यूट क्वेश्चन को। सिंपल यहाँ पे वो 3 इयर्स का वो कह रहा था ना, अब आपको कह रहा ऑल इयर्स, तो ऑल इयर्स में देखिए स्क्रीन पे बेटा इन सबको आप ऐड करोगे, जितने ये नंबर्स हैं आपने उनको डिवाइड कर देना, आपके पास एक डिजिट आ जाएगा, उस डिजिट को आपने सबसे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाना है, ठीक है। जितने होंगे उतने आप करें, ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को खुद करवा दूंगी, अभी तक आप लोगों का यही काम है, ठीक है, जितना मैंने आपको साइन किया है 3.29 रहने दें, ठीक है। 3.26 करना है, 3.26 करना है। सुबह बेटा आपको आवाज आ रही है, कुछ पूछना है आपने? नहीं मिस, कोई आ रही है आवाज नहीं, कोई कुछ भी पूछना चाहिए जी। और जो लास्ट होमवर्क किया है ना उसमें आप लोग 100 से भी मल्टीप्लाई कर लो उसको, ठीक है।